हे गाइस, इट्स शालिनी। वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल पिक्सी डस्ट। सो गाइस, ये जो मेकअप लुक है ये मैंने स्पेशली क्रिएट किया है फॉर दिस राखी। एंड आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इस मेकअप लुक का ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ। बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माई चैनल। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन। आज के वीडियो में मैं जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ मेकअप करने के लिए, वो सारे प्रोडक्ट्स का लिंक एवरीथिंग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी। So just in case अगर आप लोग interested हैं, then you guys can check it out. Now let's start with the video. सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ नायका का प्रेप मी अ फेस प्राइमर। एंड ये एक बहुत ही अच्छा प्राइमर है, फेस को बहुत अच्छे से स्मूथ बना देता है, बहुत अच्छा बेस क्रिएट कर देता है फॉर मेकअप। फॉर बेस मैं आज यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का कंसील एंड डिफाइन फुल कवरेज फाउंडेशन। एंड जो शेड मैं यूज़ कर रही हूँ वो है F12। एंड इस फाउंडेशन को मैं एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से अच्छे से पूरे फेस में ब्लेंड कर दूंगी। सो अपने फेस को थोड़ा सा और ब्राइटन अप करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर। एंड ये है फ्रॉम द ब्रांड वेट एंड वाइल्ड, दिस इज देयर फोटो फोकस इन द शेड मीडियम टॉनी। तो अपने बेस को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ के ब्यूटी का HD ट्रांसलूसेंट लूज पाउडर इन द शेड वाइट। एंड मैं इस पाउडर को ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से लगा के अपना जो बेस है उसको अच्छे से सेट कर लूँगी। फॉर आईब्रोज मैं यूज़ कर रही हूँ बेनिफिट का गूफ प्रूफ ब्रॉ पेंसिल इन द शेड 5। सो मैं अपने फेस को हल्का सा कॉन्टोर भी करूँगी। सो फॉर कॉन्टोर मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का इनफेलेबल प्रो कॉन्टोर पैलेट इन द शेड डीप प्रोफाउंड। सो ब्रॉन्जर के लिए मैं यहाँ पे आज यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का कलर आइकॉन ब्रॉन्जर। एंड इन दिस इज़ इन द शेड वॉट शेडी बीचेस। एंड ये मैंने रिसेंटली परचेज किया है फ्रॉम नायका एंड इट्स अ वेरी नाइस ब्यूटीफुल ब्रॉन्जर। आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा शेड है इसका। सो फॉर आई मेकअप मैं यूज़ कर रही हूँ रेवोल्यूशन प्रो का रीजनरेशन ट्रेंस मिस्चीव मेकर पैलेट। सो फॉर माई आई शेडो बेस मैं ये पीची शेड ले रही हूँ एंड इसको मैं अपने पूरे आईलेट्स में अच्छे से लगा लूँगी। देन फ्रॉम द सेम पैलेट मैं ये लाइट पर्पल पिंकिश सा कलर ले रही हूँ एंड इसको मैं अपने आईज के आउटर कॉर्नर एंड इनर्स कॉर्नर पे अच्छे से लगा के ब्लेंड करूँगी। सो ये जो कलर है मैं इसको मिडिल में नहीं लगा रही हूँ, अपने आईज के मिडिल में नहीं लगा रही हूँ, उसको सिर्फ आउटर एंड इनर कॉर्नर्स पे ही लगा रही हूँ। अब मैं ये डार्क पर्पल शेड ले रही हूँ एंड इसको भी अगेन अपने आईज के आउटर कॉर्नर एज वेल एज इनर कॉर्नर पे लगा के अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। तो आज मैं कट क्रीज आई मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ, इसलिए मैं इस कलर को सिर्फ आउटर एंड इनर कॉर्नर्स पे ही लगा रही हूँ। नाउ मैं ये ब्राउन शेड ले रही हूँ एंड इसको मैं अपने आईज के इनर कॉर्नर्स एंड आउटर कॉर्नर्स में लगा रही हूँ। एंड मैं बहुत हल्का सा कलर ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, हल्का सा। जस्ट मैं अपने कॉर्नर्स को थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ जिससे जो आईज है उसको एक डेप्थ इफेक्ट मिलेगा। अब एक पेंसिल ब्रश के हेल्प से मैं अगेन सेम जो डार्क पर्पल शेड था उसको एंड जो ब्राउन शेड था उसको मिक्स करके मैं अपने लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी जिससे कि आईज को एक अच्छा सा डेप्थ मिलेगा। सो अब बारी आती है कट क्रीज की। सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एक कंसीलर एंड आप कोई सा भी कंसीलर यूज़ कर सकते हैं जो भी कोई आपके स्किन टोन के साथ मैच करता हो। एंड यहाँ पर मैं एक फ्लैट ब्रश के हेल्प से इस कंसीलर को अपने आईज के मिडिल पोर्शन पर लगा रही हूँ, आईलिट पर, जहाँ पर मैंने कोई भी कलर नहीं लगाया था। सो बेसिकली जो भी कलर्स थे मैंने आउटर कॉर्नर पे एंड इनर कॉर्नर पे लगाया था, मिडिल पे कोई भी कलर नहीं लगाया था। एंड इस कंसीलर को मैं पूरा मिडिल पे लगाने वाली हूँ। एंड इसको लगाने में आप अच्छे से अपना टाइम लीजिए, कोई हड़बड़ी की बात नहीं है, मैंने भी बहुत टाइम लिया था। इसको बहुत अच्छे से धीरे धीरे लगाइए। अब मैं इस पैलेट से ये गोल्डन कॉपरिश सा कलर ले रही हूँ एंड इसको मैं अपने आईलिट्स पे लगा रही हूँ, मिडिल पोर्शन में जहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया था। सो उसके ऊपर मैं अपने फिंगर से इसको अच्छे से डैब करते हुए इस कलर को लगा रही हूँ। yeah.
अगेन मैं डार्क पर्पल शेड जो मैंने पहले लगाया था वो फिर से मैं एक ब्रश में ले रही हूँ एंड उसको लेके मैं जो भी सारे एजेस हैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। सो अब बारी आती है काजल की। सो फॉर काजल मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल पेरिस का काजल मजीक गोल्ड एंड इसको मैं अपने वाटर लाइन एज वेल एज टाइट लाइन पर अच्छे से लगा लूँगी। तो अपने आई लैशेज़ को कर्ल करने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ आई लैश कर्लर एंड फॉर मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ आज मेबिलिन न्यूयॉर्क का टोटल टेम्पटेशन मस्कारा इन द शेड ब्लैक। अब बारी आती है ब्लश की। सो फॉर ब्लश मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का कलर आइकॉन ब्लश एंड इसका जो शेड नेम है वो है मेलो वाइन। सो फॉर हाइलाइटर मैं आज यूज़ कर रही हूँ द बाम कॉस्मेटिक्स का मैरी ल्यूमिनाइजर हाइलाइटर एंड ये बहुत ही प्यारा हाइलाइटर है, बहुत ही स्मूथ है स्किन पे एंड इसका जो ग्लो है वो बहुत ही अच्छा लगता है स्किन पे। सो फॉर लिपस्टिक मैं आज यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का पावर बुलेट लिपस्टिक इन द शेड पूल पार्टी। सो माई रक्षाबंधन मेकअप लुक इज ऑल रेडी। सो गाइज आई होप कि आप लोग को मेरा जो ये मेकअप लुक है वो पसंद आया होगा एंड अगर आप लोग को मेरा मेकअप पसंद आया हो देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड जस्ट इन केस अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन। सो गाइज आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं आप लोगों से मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड हैप्पी राखी।